दोस्तों मार्केट डेली में हम लोग देखेंगे कि 30 अगस्त को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं, डेली व्यू वीकली व्यू और टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो देख के आप टेक्निकल से सीख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। आने वाले सैटरडे को हमारा एक फ्री ट्रेनिंग है, तो आपको अगर फ्री ट्रेनिंग अटेंड करना है तो आप हमारे आयना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आके 31 तारीख को हमारा फ्री ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। उसके डिटेल मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। दोस्तों चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि 30 अगस्त को मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो देखिए कि आज का जो निफ्टी है वो 97 पॉइंट लगभग 100 पॉइंट डाउन है। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट के ऊपर कुछ रीडिंग करते हैं। तो हम लोग कल भी चार्ट कुछ रीड किया था, तो कल का जो चार्ट था यानी निफ्टी का ये था थोड़ा वीक था। यहाँ पे जो परसों के जो लेवल तालू था उससे थोड़ा नीचे क्लोज दिया था और आज का भी ओपनिंग हुआ वैसे थोड़ा गैप डाउन ही हुआ और मार्केट पूरे दिन नेगेटिव था। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंस लेवल बताया 10,926, मैंने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ से जो कवर हुआ है अगर ये लेवल से नीचे आता है तो एक नेगेटिविटी आ जाएगा, लेकिन आज वही लेवल पे ऊपर मार्केट ने लगभग सपोर्ट लिया है। तो ये जो नेगेटिविटी कंटिन्यू है, आज जैसे एक्सपायरी भी था तो एक्सपायरी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी रहती है। इसमें जो हमारा वीकली जो लेवल था जैसे आप यहाँ पे वीकली में देख रहे हो तो ये वीकली लेवल के नीचे अभी तक क्लोज हुआ है, लेकिन कल के लिए फ्राइडे अगर फ्राइडे में 11,000 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो ये जो अपना वीकली लेवल है वीकली लेवल के ऊपर ही क्लोज हो सकता है जो यहाँ पे रेड लाइन गया है। तो कल आपको एक बार देखना पड़ेगा कि वीकली क्लोजिंग कहाँ पे देता है, ये भी इम्पोर्टेंस है, उससे डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या होगा। फिलहाल तो थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव लग रहा है। कल भी आपको इंट्राडे में जो पोजीशन लेना है तो इंट्राडे में आपको शॉर्ट करना है तो 10,926 जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है जो आज ब्रेक नहीं किया था उसके नीचे आता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। नीचे वाले लेवल जो है 10,900 राउंड फिगर है तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत केयर करना पड़ेगा। उसके नीचे जाता है तो पैनिक होगा और 50 पॉइंट नीचे और नीचे जो पॉइंट है 10,786 ए लेवल भी आ सकते हैं। वो शायद इंट्राडे में नहीं आए, एक दो दिन में आए, लेकिन आपको बाइंग करना है तो बाइंग के लिए अभी जो ऊपर वाला लेवल है 10,984 के ऊपर ही आपको बाइंग हो सकता है। उसके बाद 11,005 वाला जो लेवल है वो वहां जाएगा तो ये जो लाइन है वो क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पे भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मार्केट को ऊपर आने के लिए, लेकिन ये रेसिस्टेंस आपको रहेंगे। थोड़ा बहुत हम देखते हैं इंट्राडे में निफ्टी कैसे ये किया था। तो देखिए जैसा कि निफ्टी ऊपर ओपन हुआ था तो अपना जो सेल लेवल था 11,500 देखिए यहाँ से ही वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया तो ऊपर वाले बाइंग का जो अपना लेवल था तो बाइंग का लेवल जो 11,077 वो आया नहीं और सेलिंग का आ गया, सेलिंग को रेजिस्टेंस लेके नीचे आया और अपना इम्पोर्टेंस जो लेवल था 10,926 देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट कवर हुआ है। तो देखिए कि कितना प्रॉपर लेवल से ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये प्रॉपर लेवल पे काम करते हैं और आपको पता भी चलता है कि यहाँ पे आपको कहाँ पे सेल करना है कहाँ पे फिर से बाइंग में करना है और कैंडल का भी प्राइजेशन होता है। तो देखो मार्केट नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाए आपको ट्रेड मिलता है जिनको ये प्राइजेशन समझता है। तो निफ्टी में अच्छा प्राइजेशन हुआ, कल भी उम्मीद है कि आपको अच्छा यहाँ पे ट्रेंड मिल सकता है 10,926 के नीचे अच्छा एक शॉर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको इंट्राडे के लेवल बताया उसको आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। देखिए कि निफ्टी जब भी नेगेटिव रहता है बैंक निफ्टी भी जैसे सेम ही चल रहा है और बैंक निफ्टी ने आज भी एक इम्पोर्टेंट लेवल था वो ब्रेक किया है 27,500। तो ये ज़्यादा बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा निगेटिव है कि इम्पोर्टेंस लेवल उसने ब्रेक किया है। नीचे का 27,287 जो लेवल है यहाँ पे ये सपोर्ट लेते हुए दिखता है तो बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है निफ्टी से। कल भी अगर 27,287 के नीचे जाता है यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ऊपर अभी ये जो इम्पोर्टेंस लेवल से फिर से 27,500 के ऊपर इसमें बाइंग बनता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं स्टॉक के बारे में, तो हम लोग देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री जो है कि वो धीरे धीरे करके हर एक रोज नीचे आ रहा है, और अभी जैसे ऊपर हम लोग रेसिस्टेंस देख रहे थे, वो ब्रेक होने के बाद हम लॉन्ग जा सकेंगे। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है बहुत अच्छा खासा 1225, अगर ये ब्रेक होता है तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है कि बहुत जोर से गिर सकता है। यहाँ पे इसका गैप भी फिल हो सकता है, नीचे करीब करीब 11,080 के लेवल भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे 1225 जो लेवल है, कल आपको रिलायंस में देखना पड़ेगा कि ये लेवल ना ब्रेक हो जाए। अगर ब्रेक होता है तो ये मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक देखेंगे हम लोग एस बैंक। तो देखिए कि एस बैंक में जो मैंने कल लेवल आपको बताया था 57.99 के नीचे शॉर्ट करना, तो वो बहुत अच्छा नीचे भी आया था और नीचे अच्छा लेवल लेके वापस फिर से रिकवर हुआ। अगर जो कि इसमें बाय करना है एस बैंक में, तो 59.50 के ऊपर अगर जाता है तो बाय कर सकते हो शॉर्ट के लिए। फिर से आज का जो लो था 54.94 के नीचे, इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है, मैंने कल आपको कुछ स्टॉक रिकमेंड किए थे, तो उसमें जो इन्फोसिस था देखिए, तो इन्फोसिस का एक लेवल जो है, एक लेवल हो गया 805 के ऊपर 810, ये तो हो गया। जब भी 810 ब्रेक करेगा तो यहाँ से अच्छा मोमेंटम आ सकता है, तो आप कल भी इन्फोसिस को देख सकते हो। एसएल टेक के लिए बारे में मैंने बताया था, उसका लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो कुछ बात नहीं, कल अगर 1129 कल भी ब्रेक होता है तो इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे हमने सन फार्मा के बारे में सेल का कॉल दिया था, लेकिन वो सेल का लेवल आया नहीं, जो रिवर्स में ऊपर गया है। तभी सन फार्मा जो है कि अपना एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन इसमें फ्यूचर में कुछ लेवल आ सकता है। अगर ये 444 के ऊपर जाता है तो इसमें भी बाइंग अच्छा आ सकता है। तो ये जो एक रेक्टेंगल में घूम रहा है, तो जो साइड में ब्रेकआउट होगा आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो ऊपर जो अभी 444 का ब्रेक होता है तो वो देखिए, नीचे जो अपना 410 का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो जब भी लेवल ब्रेक होते हैं तभी ट्रेड करना है। ऐसे नहीं कि आपने सेल को दिया तो उसको आपको सेल को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, शायद ये लेवल ब्रेक भी ना हो जाए, लेकिन जब भी होता है आपको एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। कल के लिए मैं कुछ और भी कॉल आपको बताता हूँ। जैसे रेक्टेंगल फॉर्मेशन अपने सन फार्मा में देखा था, वैसे ही कोटक में भी बन रहा है, तो कोटक में अभी ये लो लेवल के पास यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी देखिए कि यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया था, वो आज ट्रेंड लाइन को उसने सपोर्ट किया है। अगर ये ब्रेक होता है कल, तो एक छोटा सा जो ट्रेड है 1446 के नीचे जाता है तो 1437 तक ये जा सकता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस लेवल है 1437। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से बहुत डाउनफॉल आ सकता है, और ये ट्रेंड लाइन भी साथ में ब्रेक होगा, तो इसको आप कल में नजर रख सकते हो। कल अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसमें आपको अच्छा ब्रेकआउट का ट्रेंड मिल सकता है डाउन साइड का। नेक्स्ट जो है कि इंडस बैंक। तो इंडस बैंक में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना है, लेकिन सेलिंग प्रेशर का है। तो इंडस बैंक में आप 1338 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, अगर ये रिवर्स होता है तो 1381 के ऊपर इसको बाइंग भी आप कर सकते हो। देन इस्कॉर्ट है। इस्कॉर्ट में आज देखिए कि अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आया उसमें, और ये पॉजिटिव क्लोज हुआ है और हाई के करीबी क्लोज हुआ है। तो कल अगर ये 521.66 के ऊपर जाता है तो आपको बाइंग का एक कॉल मिल सकता है। नेक्स्ट है बीपीसीएल। तो बीपीसीएल देखिए कि एक इसमें भी अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है, एक नजदीक वाला रेजिस्टेंस है उसके आसपास एक खड़ा है। अगर 358 के ऊपर जाके सस्टेन होता है 15 मिनट, तो उसके बाद इसमें आप ट्रेड ले सकते हो इंट्राडे के लिए बाइंग का। तो दोस्तों एक कॉल मैंने आपके साथ शेयर किए, कल जो है फ्राइडे है और वीकेंड भी है, और मंडे को भी मार्केट क्लोज है, तो आपको अच्छी तरह ट्रेड करना है। मोस्टली पोजिशन आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने हैं और इंट्राडे ही करना है। यहाँ पे जो मैंने आपको लेवल बताए, तो ये मेरे टेक्निकल लेवल्स है, ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसे ही वर्क करेगा। यहाँ पे आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके इसमें आप ट्रेड कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही आपको टेक्निकल से सीखना है तो मेरे साथ आके थाना मुंबई में आके मेरे साथ लाइव मार्केट में आप टेक्निकल से सीख सकते हो, उसके डिटेल में यहाँ पे शेयर करता हूँ। और आने वाले सैटरडे को हमारा एक फ्री ट्रेनिंग सेशन है 5 to 7 दो घंटे का, वहाँ पे आप हमको फ्री में सिखाएंगे। जो भी इंटरेस्टेड हो गए हमको इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।